नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर भाजपा की तरफ से निकल कर आ रही है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल एम्स में एडमिट करा दिए गए हैं। आपको बता दें कि संजय जायसवाल एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। कहा जाता है कि ये बीमारी ऐसी है जिसमें मरीज को लगता है कि उसके शरीर में आग लग गई है। इसका नाम भी काफ़ी अजीबोगरीब है और इस बीमारी से संजय जायसवाल ग्रसित पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें पटना के एम्स में एडमिट कराया गया है। उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर ये बात सबों से साझा की है। हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। सभी को नमस्कार। आप सबों के आशीर्वाद और शुभकामना से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कलकत्ता में ही मुझे 25 तारीख को बुखार हो गया था, लेकिन चूंकि मैं स्वयं जल संसाधन समिति का अध्यक्ष हूँ, इसलिए अपने कलकत्ता और गुवाहाटी के सभी दायित्वों को पूरा करके पटना आया। पटना आने के साथ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और यह एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, जिसमें आप ही का शरीर आपके खिलाफ काम करने लगता है और जितने तरह के चमड़े हैं, चाहे शरीर का हो या मुंह के भीतर, आंख वगैरह का, हाथ, सबका इन्वॉल्वमेंट सूजन और स्लफिंग होने लगता। और इसको बीमारी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मुश्किल से 100 लोगों को इस एक दवा के रिएक्शन से होता है। पर पटना एम्स में दूसरे ही दिन मेरी बीमारी को डिटेक्ट कर लिया, जिसके कारण आज मैं इतने दिनों तक लगातार 104 बुखार और पूरे दूसरे और दिक्कतों के कारण एम्स पटना में ही अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ। चूंकि सारे अपने लोक क्षेत्र में भी हर कोई मेरे लिए चिंतित है और हर कोई इधर आना चाहता है, अभी मुझसे मिलना मेरे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि मेरा पूरा चमड़ा एक्सपोज्ड है और जब तक वो सब हील नहीं करता तब तक नहीं होगा। इसलिए अगले 7 दिन मैं किसी से भी नहीं मिल सकता हूं और आप आके भी परेशान होंगे और मेरी मदद भी नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। बीजेपी अध्यक्ष को एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसके बारे में जानकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बीमारी से पीड़ित मरीज को ऐसा लगता है मानो किसी ने जिंदा शरीर में आग लगा दी हो। यह बीमारी काफी गंभीर और जानलेवा है। गुरुवार को दोपहर में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल खुद अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव आए और उन्होंने जो कुछ कहा वो काफी हैरान करने वाला है। दरअसल संजय जायसवाल ने यह जानकारी दी कि वो पटना एम्स में भर्ती हैं और अगले 7 दिन तक वे पटना एम्स में ही एडमिट रहेंगे। इस दौरान वे किसी से मिलेंगे नहीं, क्योंकि वे मिल भी नहीं सकते। संजय जायसवाल ने जानकारी दी कि 25 अगस्त को ही कोलकाता में उन्हें बुखार हो गया था, लेकिन वे खुद जल संसाधन समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए वे कोलकाता और गुवाहाटी का काम निपटा कर पटना पहुंचे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जो बताया वह काफी दुखद और हैरान करने वाला है। संजय जायसवाल ने खुद जानकारी दी कि वे स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम की चपेट में आ गए हैं। ऐसी बीमारी जिसमें मनुष्य का शरीर ही उसके खिलाफ काम करने लगता है। शरीर के बाहरी हिस्से हो या फिर आंख, नाक, कान, गला सूजने और फटने लगता है। इस बीमारी में शरीर के भीतर आंत में भी सूजन होती है और वह गलने लगता है। संजय जायसवाल ने कहा कि वे चाहकर भी किसी से नहीं मिल सकते। लगभग 1 सप्ताह तक वह पटना एम्स में रहेंगे और इसके बाद आगे देखेंगे कि क्या करना है। आपको बताते हैं कि आखिरकार स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम क्या है। स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम यानी कि SJS काफ़ी गंभीर प्रकार की बीमारी है। यह ऐसी दुर्लभ बीमारी है
कि इसमें काफी कम मामले देखे जाते हैं। स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम एक संक्रमण होता है, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने व्यक्ति के शरीर को जला दिया हो। सबसे डराने वाली बात यह है कि यह बीमारी अचानक से किसी को होती है और बड़ी तेजी से फैलती है। स्टीवन्स और जॉनसन नाम के दो डॉक्टरों ने इस इन्फेक्शन का पता लगाया था, उनके ही नाम पर इस सिंड्रोम को रखा गया है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इस बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। पटना एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया है और एक सप्ताह तक वो पटना के एम्स अस्पताल में ही रहने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि वो कब तक रिकवर कर पाते हैं और सबों के बीच में कब तक लौट पाते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।